नमस्कार, मैं हूं दिव्या बिहारी। न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 12 मई दिन रविवार। खबरों के बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट के पदों पर निकली बंपर भर्ती। मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए हुए कई प्रयास। बिहार की मनीषा रानी खतरों के खिलाड़ी शो में लेगी हिस्सा। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर दी जानकारी। पीएम नरेंद्र मोदी आज पहली बार बिहार में करेंगे रोड शो। आधार को मुफ्त में अपडेट करवाने के लिए नहीं बचा है अधिक समय। आईपीएल 2024 में आज सीएसके और राजस्थान व आरसीबी बनाम डीसी का मुकाबला। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। अकाउंटेंट कम आईटी असिस्टेंट के पदों पर निकली भर्ती। बिहार में अकाउंटेंट्स कम आईटी असिस्टेंट पदों पर भर्ती निकाली गई है। इसके लिए 9 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी में लगे हुए युवाओं के लिए अच्छी खबर है। अकाउंट्स के असिस्टेंट पदों पर बहाली निकाली गई है। इस भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है। वेबसाइट http://bgsys.bihar.gov.in के माध्यम से इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आवेदन किया जा सकता है। 6,570 रिक्त पदों पर बहाली ली जाएंगी। आवेदन के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु सीमा 21 साल निर्धारित की गई है और अधिकतम आयु सीमा पुरुषों के लिए 45 और महिलाओं के लिए 48 साल है। बिहार इंटर लेवल भर्ती परीक्षा से जुड़ा एक अहम नोटिस जारी। बिहार इंटर लेवल भर्ती परीक्षा से जुड़ा एक अहम नोटिस जारी हुआ है। बीएसएससी ने इंटर लेवल भर्ती के उन अभ्यर्थियों को अपनी गलती में सुधार का मौका दिया है जिन्होंने अपनी फीस तो जमा कर दी है लेकिन आवेदन फॉर्म को पूरे तरीके से सबमिट नहीं कर सके हैं। अभ्यर्थियों को गलती सुधार करने का एक मौका प्रदान किया गया है। ऐसे अभ्यर्थियों को मौका मिल रहा है जिन्होंने अपनी फीस तो सबमिट कर दी है लेकिन उनके फॉर्म अब तक सबमिट नहीं हो सके हैं। आयोग की ओर से ऐसे 27,935 अभ्यर्थियों की लिस्ट को जारी किया गया है। करेक्शन के लिए 27 मई तक का समय दिया गया है। पीएम मोदी आज पहली बार बिहार में करेंगे रोड शो। प्रधानमंत्री मोदी आज पहली बार पटना में रोड शो करेंगे। ये पहली बार होने जा रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में रोड शो करने जा रहे हैं। राजधानी के डाक बंगला चौराहे से रोड शो की शुरुआत होगी। जानकारी के मुताबिक ये रोड शो उद्योग भवन जाकर समाप्त होने वाली है। इसको लेकर तैयारी जोरों शोरों से की जा रही है। वहीं भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो को लेकर तैयारी पूरी की जा चुकी है। मालूम हो कि पीएम के पटना आगमन को लेकर रोड शो को लेकर आज कई मार्गों पर वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। दोपहर के बाद नेहरू मार्ग एग्जीबिशन और फ्रेजर रोड पर वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। पीएम मोदी का रोड शो एसपी वर्मा रोड एग्जीबिशन रोड चौराहा से उमा सिनेमा होते हुए कदम कुआं साहित्य सम्मेलन ठाकुरबाड़ी रोड और फिर उद्योग भवन पहुंचेगा। राजभवन कदम कुआं नाला रोड अशोक राजपथ पर यातायात परिवर्तित रहेगा। वहीं बता दें कि पीएम भगवा रंग के इस सुजू कॉमर्शियल गाड़ी से रोड शो करने जा रहे हैं। बिहार के छात्रों को मुफ्त में कोचिंग में पढ़ने का मौका। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंजीनियरिंग या मेडिकल प्रवेश परीक्षा की निःशुल्क कोचिंग में तैयारी के लिए छात्र और छात्राओं को आवेदन का एक और मौका दिया है। किसी भी बोर्ड से 10वीं सफल छात्र 17 मई तक आवेदन कर सकते हैं। इस कोचिंग की शुरुआत बीएससीबी सुपर 50 नाम से की गई है। साल 2026 में इंजीनियरिंग या मेडिकल प्रवेश परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र और छात्राओं भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट https://coaching.biharboardonline.com/index पर जाकर इसके लिए आवेदन किया जा सकता है। निर्धारित अवधि में आवेदन करने वाले विद्यार्थियों का चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आधार को मुफ्त में अपडेट करवाने के लिए नहीं बचा है अधिक समय। आधार को काफ़ी समय से अपडेट करने के लिए कहा जा रहा है। भारत विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI ने कई बार 10 साल पुराने आधार कार्ड को अपडेट करवाने के लिए आखिरी तारीख की घोषणा की है। 14 जून तक पुराने आधार कार्ड को मुफ्त में अपडेट किया जा सकता है। घर बैठे आज ही आप आसानी से अपने आधार कार्ड को अपडेट कर सकते हैं। UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट https://uidai.gov.in पर विजिट करना है। इसके बाद यहाँ पर आप आधार कार्ड अपडेट के विकल्प को चुनकर आधार कार्ड को दिए गए दिशा निर्देश को फॉलो करके आसानी से अपडेट कर सकते हैं।
बिहार के यूनिवर्सिटी के बजट प्रस्तावों की परख करेगा शिक्षा विभाग। वित्तीय वर्ष 2024 व 2025 के लिए बिहार के सभी विश्वविद्यालयों के प्रस्तावित बजट की समीक्षा के लिए विश्वविद्यालय वार रोस्टर को तैयार किया गया है। 15 से लेकर 29 मई तक अलग अलग यूनिवर्सिटीज के बजट प्रस्तावों की समीक्षा शिक्षा विभाग के मदन मोहन झा स्मृति सभागार में होगी। इस दौरान यूनिवर्सिटी के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को प्रस्तुत करना होगा। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से फिलहाल रिक्तियों की जानकारी मांगी गई है। मालूम हो कि पहली बार शिक्षा विभाग विश्वविद्यालयों के बजट प्रस्तावों की व्यापक समीक्षा करने जा रहा है। बिहार की मनीषा रानी खतरों के खिलाड़ी शो में लेंगी हिस्सा। बिहार की मनीषा रानी खतरों के खिलाड़ी शो में हिस्सा लेने जा रही हैं। फिल्मी बीट की रिपोर्ट के अनुसार मनीषा रानी की पॉपुलैरिटी को देखते हुए उन्हें मेकर्स ने शो में बुलाया है। पहले भी ये उन मशहूर हस्तियों में से एक थीं जिन्हें खतरों के खिलाड़ी 14 के लिए संपर्क किया गया था। हालांकि किन्हीं कारणों से मनीषा रानी ने शो के लिए हाँ नहीं कहा था। ऐसे में अब मनीषा रानी के फीस को बढ़ा दिया गया है और उन्हें शो के लिए बुलाया गया है। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक मनीषा रानी प्रति एपिसोड के लिए 8 से 10 लाख रुपये चार्ज करेंगी। वहीं ऐसा होता है तो ये सबसे अधिक चार्ज करने वाले एक्टर्स बन जाएंगे। सीएसबीसी बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के तारीखों की हुई घोषणा। सीएसबीसी बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के तारीखों की घोषणा कर दी गई है। 21,391 सिपाही भर्ती के लिए अगस्त में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। कुल 7 दिनों में ये परीक्षा ली जाएगी। आगामी परीक्षा को लेकर सीएसबीसी ने सभी जिला अधिकारियों को पत्र भेजा है। राज्य के सभी जिलों में लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। सभी जिलों के डीएम को परीक्षा केंद्रों के निर्धारण और परीक्षा के संचालन के लिए पत्र भेजा गया है। अगस्त के महीने में 7, 11, 18, 21, 25, 28 और 31 तारीख को परीक्षा की तारीख प्रस्तावित है। मालूम हो कि यह परीक्षा साल 2023 में हुई थी। नकल के कारण परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। अब दोबारा परीक्षा होने जा रही है। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे मछली तालाब के बारे में। मछली तालाब मुंगेर जिले में स्थित एक प्रसिद्ध जगह है। ये जगह धार्मिक भी है। यहाँ पर आपको शिव मंदिर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर शिव मंदिर एक बड़े से तालाब के बीच में बना हुआ है। ये तालाब चौकोर आकार में है। इस तालाब के बीच में बने शिव मंदिर में जाने के लिए पुल बना हुआ है। मंदिर बहुत ही सुंदर है। मंदिर में शिवलिंग विराजमान है। यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पर एक छोटा सा गार्डन भी बना हुआ है। तालाब में बहुत सारी मछलियाँ देखने को मिल जाएंगी जो बहुत ही सुंदर लगती हैं। इसलिए इस जगह को मछली तालाब के नाम से भी लोग जानते हैं। यहाँ आकर आप बहुत अच्छा समय बिता सकते हैं। ये मुंगेर में घूमने लायक जगह है। बिहार में 1,000 से अधिक छात्रों पर कार्रवाई की तैयारी। बिहार में गरीब परिवार के बच्चों को सरकार की ओर से पढ़ाई के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना दी जाती है। इस योजना के संचालन के बाद से पैसों की कमी के कारण पढ़ाई में अच्छे रहने वाले या आगे पढ़ाई की चाह रखने वाले विद्यार्थी अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन इस योजना के कारण कई बच्चों को परेशानी हो सकती है। आपको बता दें कि बिहार और उड़ीसा पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट 1914 के तहत हजारों छात्रों पर वित्त विभाग सर्टिफिकेट केस करने की तैयारी में है। लिस्ट को जारी करते हुए वित्त विभाग को कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। दरअसल पढ़ाई के बाद कुछ छात्र लोन नहीं चुकाते हैं। ऐसे छात्रों पर कार्रवाई का प्रावधान है। राज्य के ये 38 जिले के 1631 बच्चों पर एक्शन लिया जाएगा। मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए हुए कई प्रयास। बिहार में 7 चरण में चुनाव होने हैं। 3 चरण के चुनाव हो चुके हैं जबकि 4 चरण में चुनाव बाकी हैं। चौथे चरण में बेगूसराय दरभंगा मुंगेर उजियारपुर और समस्तीपुर में मतदान होना है। ऐसे में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। पूर्वी चंपारण जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जीविका दीदियों के द्वारा मेहंदी प्रतियोगिता और हर घर दस्तक कार्यक्रम के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया गया है। इधर जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जागरूकता रैली के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया है। गोपालगंज में लोगों को जागरूक करने के लिए भारत स्काउट गाइड और एनसीसी के बच्चों द्वारा नुक्कड़ नाटक का आयोजन हुआ। वैशाली में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चौपाल का आयोजन किया गया है। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के बीपीएससी पेपर लीक मामले से जुड़े तार। शिक्षक भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक मामले के तार अब बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा से जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। अब पुलिस ने एक कुरियर कंपनी के 2 मुंशी को गिरफ्तार किया है। साथ इनके पास से कुछ पेनड्राइव को भी जब्त किया गया है। इसमें ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक कंपनियों के गोपनीय डेटा को बरामद किया गया है। ईओयू की जाँच में इस बात का खुलासा किया गया है कि पिछले साल हुई सिपाही भर्ती प्रश्न पत्रों के परिवहन
का काम डीपी वर्ल्ड कंपनी को मिला था। कंपनी की जिम्मेदारी जनित लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड को दी गई थी। इसके दो मुंशी को गिरफ्तार किया गया। इसके आधार पर सिपाही भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले से जुड़े कई सुराग मिले। मनोज वाजपेयी ने सुशांत सिंह राजपूत को लेकर किया ये खुलासा। बिहार के मनोज वाजपेयी ने सुशांत सिंह राजपूत को लेकर एक खुलासा किया है। मनोज वाजपेयी ने कहा है कि दुनिया को अलविदा कहने के 10 दिन पहले सुशांत सिंह राजपूत ने उनसे बातचीत की थी और अपनी पीड़ा बताई थी। मनोज वाजपेयी बताते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत एक अच्छे इंसान थे। वे किसी ब्लाइंड आर्टिकल से परेशान चल रहे थे। वे इस तरह के आर्टिकल से परेशान हो गए थे। मनोज वाजपेयी ने यह खुलासा किया है कि सुशांत सिंह राजपूत इनसे पूछते थे कि वो इसके लिए क्या करें, तो मनोज उन्हें इस बारे में सलाह देते थे कि वे इस बारे में नहीं सोचें। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर दी जानकारी। मौसम विभाग की ओर से सीजन को प्री मॉनसून सीजन करार दिया गया है। बिहार के उत्तर पूर्वी भागों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है। इसकी वजह बंगाल की खाड़ी से आ रही नर्म हवा का असर है। फिलहाल मौसम विभाग की ओर से रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, पश्चिम एवं पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया, सुपौल और किशनगंज में बारिश की संभावना जताई गई है। बिहार पर पूर्वा हवा का प्रवाह देखने को मिला है। मौसम विभाग ने उत्तर और दक्षिणी भाग के कुछ जगहों पर गरज चमक, तेज हवा और वर्षा का पूर्वानुमान जारी किया है। इन दिनों राजधानी पटना का मौसम सुहाना बना हुआ है। पिछले दो दिनों से हल्की बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है। आज भी बारिश को लेकर अलर्ट है। एसी चलाने पर बिजली का बिल ऐसे आएगा कम। गर्मी के मौसम में गर्मी से राहत पाने के लिए लोग एसी का प्रयोग करते हैं, लेकिन एसी चलाने के दौरान कई लोग ऐसा चाहते हैं कि बिजली का बिल कम आए। इसके लिए आपको सबसे पहले एसी में टाइमर लगाना चाहिए। इसकी मदद से एसी उतनी ही देर चलेगी जितने देर के लिए आप एसी चलाना चाहेंगे। साथ ही रात में आपको बार बार नहीं उठना पड़ेगा। एसी में ऑटो कट फीचर का इस्तेमाल करके भी बिजली के बिल को कम किया जा सकता है। इससे रूम ठंडा होने पर एसी अपने आप ही बंद हो जाएगा। एसी की सर्विस नहीं होने पर भी कंप्रेसर पर दबाव पड़ता है, रूम को ठंडा करने में अधिक समय लगता है, इससे बिजली की खपत अधिक होती है। एसी की 22 से 24 के बीच चलाने पर भी बिजली की खपत कम होती है। पटना में कार से सैकड़ों लीटर शराब बरामद। बिहार की राजधानी पटना में एक कार से 348 लीटर शराब बरामद हुए हैं। मालूम हो कि लोकसभा चुनाव में पुलिस की ओर से कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में चेकिंग के दौरान एक कार में 348 लीटर शराब की बरामदगी हुई है, जबकि शराब के तस्कर मौके से फरार होने में सफल रहे। जब्त हुई शराब की अनुमानित कीमत करीब 3 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने अलग अलग राज्यों का 4 नंबर प्लेट भी बरामद किया है। प्रारंभिक जांच में पुलिस को पता चला है कि तस्कर बक्सर का रहने वाला है। बिहार में आसमान से बरसा कुदरती कहर। बिहार में खराब मौसम के कारण बीते दिन 5 लोगों की जान चली गई। रोहतास, नवादा और गया जिले में आकाशीय बिजली गिरने से अलग अलग जगहों पर 2 बच्चों समेत 5 लोगों की जान चली गई है। दक्षिणी जिलों में मौसम बिगड़ने से आसमान से कहर बरपा है। वज्रपात के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। 3 युवक के झुलसने की खबर सामने आई है। इसमें से 2 की हालत खराब बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार गया जिले में अलर्ट के बाद भी 3 लोगों की आकाशीय बिजली की चपेट में आकर जान चली गई है। पटना में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया बड़ा दावा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पटना में बड़ा दावा किया है। इन्होंने कहा है कि इस बार हम लोग प्रधानमंत्री मोदी को पीएम नहीं बने देंगे। नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए लोकसभा के चुनाव में जितनी संख्या चाहिए उतनी संख्या इंडिया गठबंधन की ओर से जरूर लगाई जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि पीएम मोदी बात गरीबों की करते हैं, लेकिन वो काम सिर्फ अमीरों के लिए करते हैं। देश भर की जनता में मोदी सरकार के खिलाफ काफी विरोध है। खड़गे ने कहा है कि पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने अपनी ताकत सिर्फ विपक्ष के नेताओं को परेशान करने में लगाया है। चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार की तारीफ। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बीते दिन चुनावी सभा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की है। दूसरी ओर नीतीश कुमार ने पुरानी बातों को याद दिलाया है। चिराग पासवान ने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विकास कर रहा है। सीएम नीतीश कुमार की योजनाओं का लाभ पूरे बिहार को हो रहा है। लोकसभा के बाद बिहार विधानसभा में भी एनडीए की सरकार बनने वाली है। चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार का आभार प्रकट किया है। दूसरी ओर नीतीश कुमार ने पुरानी बातों को याद दिलाते हुए कहा कि बिहार में पहले कोई शाम में घर से बाहर नहीं निकलता था। बिहार में हम लोगों ने सभी क्षेत्रों में काम किया है।
तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को लेकर कही ये बात। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीते दिन प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने भरी सभा में अपना कुर्ता उठाकर कमर में बंधे बेल्ट को सभा को दिखाया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि कमर में हुई परेशानी के कारण डॉक्टर ने उन्हें आराम करने के लिए कहा है, लेकिन वे बेल्ट लगाकर घूम रहे हैं। मैंने डॉक्टरों से कहा कि अभी रेस्ट नहीं करेंगे जब तक प्रधानमंत्री मोदी को हम लोग हटा नहीं देते हैं। तब तक तेजस्वी यादव को रेस्ट की जरूरत नहीं है। मालूम हो कि चुनावी सभा को संबोधित करने के दौरान पिछले दिनों अचानक इनकी तबीयत बिगड़ गई थी। बिहार में कांग्रेस के दो कद्दावर नेता ने पार्टी से दिया इस्तीफा। बिहार में कांग्रेस के दो कद्दावर नेता ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। प्रदेश प्रवक्ता विनोद शर्मा और अरविंद ठाकुर ने पार्टी के सभी पदों पर से अपना त्याग पत्र दे दिया है। इस दौरान दोनों ही नेताओं ने पार्टी पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। विनोद शर्मा ने कहा है कि राष्ट्रहित और राज्य हित दोनों को देखते हुए दुखी मन से पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। विनोद शर्मा ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को आगाह करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश में धन कुबेरों को आगे बढ़ाना चाहती है। आईपीएल 2024 में आज सीएसके और राजस्थान व आरसीबी बनाम डीसी का मुकाबला। आईपीएल 2024 के 61वें मैच में आज चेन्नई सुपर किंग्स के भिड़ंत राजस्थान की टीम से होने वाली है। ये मैच चेन्नई के होम ग्राउंड एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाना है। सीएसके के प्लेऑफ की रेस में बने रहने के लिए हर हाल में इस मुकाबले को जीतना जरूरी है। चेन्नई ने आईपीएल के सीजन में अब तक 12 में से 6 मैच अपने नाम किए हैं। दूसरी ओर राजस्थान की टीम ने अब तक 11 में से 8 मुकाबलों पर कब्जा किया है। ये टीम 16 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर रही। इस सीजन के 62वें मुकाबले में आज आरसीबी और डीसी के बीच मुकाबला होने वाला है। डीसी ने 6 मैच में जीत तो 6 मैच में हार झेले हैं। दूसरी ओर आरसीबी ने 5 मैच में जीत और 7 मैच में हार का सामना किया है। सीएसके और राजस्थान व आरसीबी बनाम डीसी के मैच में आज किस टीम के बीच दिलचस्प मुकाबला हो सकता है, हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। जोधपुर की स्थापना 1459 में हुई थी। पुरंदर की संधि के तहत छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब से मिलने 1666 में आगरा पहुंचे थे। एक दार्शनिक तथा आध्यात्मिक विषयों के बड़े ही कुशल एवं परिपक्व लेखक जय कृष्णमूर्ति का जन्म 1895 में हुआ था। प्रसिद्ध दार्शनिक जिन्होंने हिंदू दर्शन पर अध्ययन करने वाले कृष्णचंद्र भट्टाचार्य का जन्म 1875 में हुआ था। पश्चिम बंगाल के 21वें राज्यपाल वीरेंद्र जे शाह का जन्म 1926 में हुआ था। भारत के 37वें मुख्य न्यायाधीश के जी बालकृष्णन का जन्म 1945 में हुआ था। राजनीतिज्ञ एवं तमिलनाडु के 13वें मुख्यमंत्री के पलानी स्वामी का जन्म 1954 में हुआ था। भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी शिखा पांडे का जन्म 1989 में हुआ था। हिंदी कवि शमशेर बहादुर सिंह का निधन 1993 में हुआ था। आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। एक क्लिक में ऐसे चेक करें इनकम टैक्स के नोटिस। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से लोगों के लिए नए फीचर पेश किए जाते हैं। रिटर्न फाइलिंग के नए सेशन में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक और नए फीचर को ई प्रोसीडिंग सेक्शन में जोड़ा है। इस नए टैब पर क्लिक करते ही यूजर एक ही जगह पर सभी पेंडिंग प्रोसीडिंग को ट्रैक कर सकते हैं। साथ इनकम टैक्स पेयर को मिलने वाले सारे लेटर और नोटिस इसी एक टैब के माध्यम से हासिल कर सकते हैं। इन्हें सर्च करने के लिए भी ऑप्शन दिए जाते हैं। ये डिपार्टमेंट की ओर से जारी किए गए लेटर नोटिस इंटीमेशन पर इलेक्ट्रॉनिकली रिस्पॉन्स का सबसे अच्छा तरीका है। गूगल मैप के इस अपडेट से चार्जिंग स्टेशन के बारे में मिलेगी सटीक जानकारी। भारत में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के मार्केट में तेजी से इजाफा देखने को मिल रहा है। डीजल और पेट्रोल की तरह इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए भी चार्जिंग स्टेशन की जरूरत पड़ने वाली है। तमाम बड़े शहरों में इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाए गए हैं। साथ ही अन्य शहरों में भी इसका निर्माण किया जा रहा है। गूगल मैप के नए अपडेट के बाद इन स्टेशनों के बारे में आसानी से जानकारी मिल सकेगी। इससे संबंधित नए फीचर को गूगल बीटा की ओर से टेस्ट किया जा रहा है। बीटा का ये टेस्ट पूरा हो जाने के बाद गूगल मैप्स का पब्लिक अपडेट जारी होगा। इस अपडेट के सामने आ जाने के बाद यूजर्स चार्जिंग स्टेशन के लिए गूगल मैप्स में फिल्टर लगा सकेंगे। इसकी सहायता से अपने नज़दीकी चार्जिंग स्टेशन की आसानी से जानकारी मिल सकेगी। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसको जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे नए प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है ये हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, बिहार का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और नेपाल दोनों की सीमा को स्पर्श करता है?
ऑप्शन ए है पूर्वी चंपारण, ऑप्शन बी है पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन सी है सीतामढ़ी, ऑप्शन डी है मधुबनी। इसका सही उत्तर है पश्चिमी चंपारण। विश्व का सबसे पहला लोकतंत्र बिहार में था जो किस जिले में था? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है वैशाली, ऑप्शन सी है बोधगया, ऑप्शन डी है नालंदा। इसका सही उत्तर है वैशाली। बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 14, ऑप्शन सी है 15, ऑप्शन डी है 16। इसका सही उत्तर है 16। रैम्पेज मिसाइलें किस देश ने अपने सेना में शामिल किए हैं? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। इसका सही उत्तर है भारत। पिरूल लाओ पैसे पाओ का अभियान हाल ही में किस राज्य ने शुरू किया है? ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है कर्नाटक। इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब जिनके नाम है विकास दास, सादुल्ला पालवी, रविकांत यादव, राजीव कुमार, संजय कुमार शर्मा, पंकज कुमार दास, संजय कुमार शर्मा, देवनंद कुमार यादव, मोहम्मद साकिर हुसैन, राजेश मांझी, रंजीत मिश्रा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है सामानों की खरीदारी के लिए व रुपए के लेन देन के लिए आप आज के समय में ऑनलाइन या ऑफलाइन किस माध्यम का प्रयोग करते हैं? हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।